अस्सलाम वालेकुम। आज जल्दी आ गए? जी वो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, शायद मौसम का असर है। मैं चाय बना के लाती हूँ, हुआ क्या? नहीं नहीं सब ठीक है। मुझे अम्मी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अम्मी तैयारियां कर रही हैं। मिनाहिल और उसके घर वाले आ रहे हैं। आप ही मुझे रेस्ट करना है प्लीज, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। राहिल के नाम पे उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। अल्लाह जान। नहीं, हर किस नहीं। मैं अमल को किसी और का होता नहीं देख सकता। अमल मेरी तकदीर हो तो तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ मैं हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम मेरी हो। आज मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बता कर रहा हूं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे तुम्हें वहां पर भेजना ही नहीं चाहिए। It's all right. हानिया ने कुछ नहीं किया वहां पर? हानिया ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आंटी पहले से ही बहुत गुस्से में थी। नंबर भी ऑफ जा रहा है हानिया का। वासिल भाई, आप हानिया से इस टॉपिक पे मत बात कीजिएगा। इस सब में हानिया का कोई कसूर नहीं है। और हाँ, कासिम अंकल और मामा को भी मत बताइएगा। सही कहते थे पापा, दिलशाद आंटी बहुत बुरी है। आंटी तो किसी की बात ही नहीं सुन रही थी। मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसे भी पेरेंट्स होते। आंटी सबको डांट रही थी, और एक मेरी मामा है जो मेरी खातिर दुनिया से टकरा गई। आंटी तो बहुत स्वीट है। मेरे पापा भी ऐसे ही थे, सबका ख्याल रखते थे, बहुत केयरिंग थे। सही कहा तू, जिनकी बेटी इतनी अच्छी है वो कितना अच्छा। क्या हुआ, कॉल आ रही है, अटेंड कर लो। यकीन करो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। फ्रेंड की कॉल है, मैं घर जाकर बात कर लूंगी। ठीक है। अमल मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज इनकार मत करना। मुझे तुमसे मिलना है, मैं आ रहा हूं, जल्दी घर पहुंचो।
क्या हुआ? All good? जी, सब ठीक है। तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी करना चाहती हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने खानदान का इकलौता वारिस हूँ। मॉम का जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है। और वैसे भी मॉम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करने वाली है, इसलिए मैं नाराज नहीं कर सकता उनको। सो प्लीज तुम भी समझो इस बात। वो कितना रूडली बात करती है मुझसे। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है? मैं हर्ट हो रही हूँ, क्या ये कम है? कम ऑन यार, फ्यूचर का सोचो। मॉम का सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तुम्हारा। और वैसे भी कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज तुम हमारी शादी जल्दी अनाउंस करो। कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ, ये मुझे बात करनी है आपसे। कहो। अकेले में करनी। तुम इसके सामने बात कर सकती हो, तुम्हारी होने वाली भाभी है। मुझे बासिल के बारे में बात करनी है। वो कासिम का बेटा। मॉम ने बताया था मुझे हमारे काबिल नहीं है वो। मैं एक्चुअली यहाँ पे आपका ओपिनियन तो लेने आई नहीं हूँ। ये जानते हुए भी कि बासिल के बाप कासिम ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया बिजनेस में। अरे तो मॉम ने भी तो नुकसान पहुंचाया है। अरे उन दोनों का यही काम है, वो तो यही करते हैं। खैर मॉम नहीं मानेगी। और आखिर में फैसला उन्हीं का होगा। मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद ले सकती हूँ भाई। देखो नुकसान सबका होगा और मॉम की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, you know that। अच्छा आप क्या मॉम की मर्जी से कर रहे हैं?